नमस्कार दोस्तों, प्री स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज बात करने वाला हूं यूपी टीपीएससी जेई 2024 की जो न्यू वैकेंसी आ गई है उसके बारे में बात करेंगे, जो कि कल यानी 7 तारीख को रिलीज हुई है। और उसके बारे में बहुत सारी बातें करनी है। टोटल पोस्ट कितने डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट वाइज कितनी पोस्टें किस डिपार्टमेंट पे हैं, ये हम टोटल बात करेंगे। और जो एलिजिबिलिटी है, चाहे वो पेट 2023 को लेकर है या डिप्लोमा बीटेक क्या है, ये सब के बारे में आपको इस पूरे वीडियो में बनाऊंगा। सो फ्रेंड्स, आप पूरे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। और जो आजकल चल रहा है कुछ कोचिंगों के द्वारा कि मतलब कुछ अलग किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट का रुख करने के लिए बहुत कुछ लोग सोच रहे हैं, तो उन सब के बारे में इस वीडियो में डिटेल मिलेगा। और अगर आप डिप्लोमाधारी हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और इस वीडियो को शेयर करेंगे, जिससे हमारी यूनिटी बनी रहे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, मैं बात कर लेता हूँ कि यूपी टीपीएससी जेई 2024 न्यू वैकेंसी के बारे में। जैसे कि ये बहुत ही दिनों बाद आई है। कितने दिनों बाद आई है? ये 6 साल बाद आई है। कितने साल बाद? 6 साल बाद आई है। यह वैकेंसी आई थी 2018 में। कब आई थी? 2018 में पहली बार, लास्ट बार वैकेंसी आई थी। अब हम बात कर लेते हैं टोटल पोस्ट की। तो टोटल पोस्ट जो है ये आपका 2847 पोस्ट है। 2847 पोस्ट है। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। इसमें डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग केवल है, ठीक है। इसमें बीटेक नॉट अलाउड, बीटेक नहीं है, बीटेक नहीं है। बीटेक वाले अगर सोच रहे हैं तो बीटेक वाले भैया इसमें एलिजिबल नहीं है। नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है। उसके बाद ये 3 साल का डिप्लोमा आपका होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं आपका जो फॉर्म स्टार्ट है फिल करने का, वह 7 मई 2024 है। कब है? 7 मई 2024 है। अगला पॉइंट बात कर लेते हैं लास्ट डेट की। तो लास्ट डेट जो है वह 7 जून 2024 है। कितना? 7 जून 2024 है। अब बात कर लेते हैं फॉर्म अप्लाई कर लिए, कुछ लोग की गलतियां हो जाती हैं, तो करेक्शन डेट भी इन्होंने दे दिया है। कब दे दिया है? 14 जून 2024 तक करेक्शन डेट दिया है। अब हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म की फीस कितनी है। तो दोस्तों, फॉर्म की जो फीस है वह ओनली 25 रुपीज है। कितनी है? केवल 25 रुपए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया की। तो इसमें जो है दो क्राइटेरिया डिवाइड किया है एज का। इसमें क्या है? एक 18 से 40 वर्ष के लिए है, एक 21 से 40 वर्ष के लिए है। तो इसमें टोटल जो डिपार्टमेंट है वह टोटल 6 डिपार्टमेंट है, ठीक है। टोटल कितने डिपार्टमेंट है? टोटल 6 डिपार्टमेंट है। और एक खास बात जो कि आजकल बहुत विवाद चल रहा है, कुछ कोचिंग वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं कि 2022 पेट से आना चाहिए। अब मैं बात करूंगा सीधे मुद्दे पे। आपको पता चल गया अभी कितने डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है, वो मैं आगे बताऊंगा। उससे पहले हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी जो मेन है, पेट कंपल्सरी होना चाहिए, वो भी 2023 का। एक बार फिर से सुन लीजिए, जिसने 2023 पेट दिया होगा वही इस फॉर्म को फिल कर सकता है, क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपका लगेगा। और कुछ साथी हैं, कुछ कोचिंग वाले हैं जो कि कह रहे हैं 2022 पेट से भी, 2022 जो पेट हुआ था उस वो लोग भी एलिजिबल होंगे। लेकिन आपको पता होगा कि 1 साल की वैलिडिटी होती है पेट की यूपी टीपीएससी के द्वारा जो आयोजित किया जाता है। तो भैया 2022 वाले तो इसमें एलिजिबल नहीं है। और जो लोग कुछ अच्छे लोग हैं उनके कहने पे जा रहे हैं आयोग, आयोग मार के भगा देगा, ठीक है। वहां मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे और पुलिस लाठी चार्ज भी करवा सकता है। मैं ये भी सीधे सीधे स्टेटमेंट दे रहा हूँ। जब पेट फॉर्म भरा जा रहा था 2023 का, तब आप लोग कहाँ थे? भरना था ना, बहुत लोग भरे थे, एग्जाम देने नहीं गए। किसकी गलती है? आपकी गलती है। जिसने एग्जाम नहीं दिया फॉर्म भर के, वो किसी की गलती नहीं है, सरकार की इसमें गलती नहीं है। सरकार का अपना पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रही है, ठीक है। आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, कुछ नहीं होगा। वहां रिट खारिज हो जाएगी, मिलेगा कुछ नहीं, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। इसलिए जो भी साथी सोच रहे हैं कि 2022 पेट एलिजिबल होगा, ये होगा, तो कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। और कुछ कोचिंगों की वजह से वो जा रहे हैं धरने में या कहीं भी जा रहे हैं, तो प्लीज ना जाइए, जाइए निराशा ही मिलेगी। मैं ये भी बोल रहा हूँ, आप लोग मुझे कमेंट में गाली देंगे, कुछ भी देंगे, कुछ भी दीजिए, जो लेकिन जो राइट है वो राइट है। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। आप अपने अंदर आत्मा से पूछिएगा कि जब फॉर्म फिल हो रहा था तो आप कहाँ थे? मान लीजिए आपने फॉर्म फिल कर दिया था तो एग्जाम क्यों नहीं देने गए? क्यों नहीं देने गए भाई? किसी ने मना थोड़ी ना किया था।
ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे टोटल जो पोस्ट हैं, 6 डिपार्टमेंट हैं, उसमें कितनी कितनी पोस्टें हैं और पेट का कट ऑफ क्या रहने वाला है, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, तो थोड़ी हेल्थ इशू है फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं आगे चल के। और एक बात और, वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा जितने डिप्लोमा का ग्रुप होगा उसमें खासकर, क्योंकि अगर यूनिटी नहीं रहेगी तो फिर कुछ हो नहीं पाएगा और बहुत सारी बाधाएं इस वैकेंसी में आने वाली हैं और आपको फेस करने को भी प्राप्त हो सकती हैं, मिल सकती हैं, ये आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। अब आगे, अब हम बात कर लेते हैं, पेट कंपलसरी है, मैंने आप लोग को बता दिया है। और एक ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए है, इनका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वह 1 अप्रैल 2024 से 7 जून 2026 के 24 के बीच होना चाहिए, मतलब अप्रैल से, और जो फॉर्म का लास्ट डेट है उसके पहले तक होना चाहिए। तो मैं उनसे यही कहूंगा कि अभी नहीं, आप अप्रैल के फर्स्ट वीक में अप्लाई कर दीजिएगा क्या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। आगे हम बात कर लेते हैं क्या टोटल पोस्ट के बारे में कि कितनी टोटल पोस्टें हैं और कैटेगरी वाइज कितनी है, इस सब के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो अच्छे अच्छे पोस्ट हैं, सबसे ज्यादा जो पोस्ट है वह पीडब्ल्यूडी में है। कितना है? पीडब्ल्यूडी में। इसमें कितनी पोस्टें हैं? इसमें है 1092 पोस्ट है, बहुत सारी पोस्टें हैं। 2015 के बाद पीडब्ल्यूडी में जो टोटल पोस्ट आई है यह आपको इतनी देखने को मिली है। कितनी मिली है? 1092। अब हम टोटल डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं, टोटल डिपार्टमेंट, टोटल डिपार्टमेंट आपके 6 हैं। इसमें एज क्राइटेरिया का भी मैं मेंशन कर दूंगा। इसमें मैं पहले बात कर लेता हूं, इसमें मैं बात कर लेता हूं पहले क्या जो 18 से 40 एज क्राइटेरिया है, एज क्राइटेरिया जिसका है 18 से 40, ठीक है, 18 से 40, उसमें 3 है आपके। कौन कौन से हैं आपको मैं बता दे रहा हूं। एक आपका क्या है? पीडब्ल्यूडी है, ठीक है, और एक आपका है आरईडी, रूरल इंजीनियरिंग डेवलपमेंट, ये जो कि ये वैकेंसी में लिख के एडीओ का आया है। इसमें एडीओ का मतलब होता है असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है, आरईडी। और उसके बाद तीसरा जो है राजकीय निर्माण विभाग, ठीक है, राजकीय निर्माण विभाग, राजकीय निर्माण विभाग, ये 18+ वालों के लिए। कितने प्लस वालों के लिए? कितने वालों के लिए? 18+। अब बात कर लेते हैं पीडब्ल्यूडी में कितने सीटें हैं। पीडब्ल्यूडी में 1092 सीटें हैं और आरईडी में 765 सीटें हैं, ठीक है। और आपका राज्य निर्माण निगम में कितने हैं? 169 है टोटल। ये दो जगह दिया गया है आपका, 146 और 23, 146 और 23, ये आपके 169 है। 1092, 765 और 169, आपका ये टोटल कितना हो गया? आपका टोटल हो गया 2026 पोस्ट। तो दोस्तों 2026 पोस्ट केवल 18 वर्ष से 40 वर्ष वालों के लिए है। मिनिमम क्राइटेरिया इनके लिए कितना है? 18 से 40। इसमें अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट हैं, पीडब्ल्यूडी सबका पसंदीदा डिपार्टमेंट है, उसके बाद आरईडी है, फिर राजकीय निर्माण विभाग है, ठीक है। तो इसमें 18 से 40 वर्ष के जो भी छात्र हैं वो फॉर्म फिल कर पाएंगे और रिमेनिंग जो बचा है वो 21 साल का है। तो जो 21 साल का है वह मैं आगे आपको मेंशन करने जा रहा हूं, उसके बाद लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपका पेट का कट ऑफ कितना हो, आपका स्कोर कितना है, तो आप एलिजिबल होंगे। अब मैं बात कर लेता हूं एज कैटेगरी, दूसरा पॉइंट पे बात करूंगा कि 21 से 40 एज कैटेगरी जो है, इक्कीस से 40, ठीक है। इसमें भी 3 डिपार्टमेंट हैं और 3 डिपार्टमेंट हैं, मैं उनकी बात करूंगा। इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं? इसमें पहला क्या है? जल निगम। आप लोगों को पता होगा जल निगम की वैकेंसी कैंसिल हो गई थी धांधली की वजह से, यह 2016 में आई थी, ठीक है। तो जल निगम में कितनी पोस्ट है? जल निगम में जो आपकी पोस्ट है वो 693 है, 693, ठीक है। अब सेतु निगम, ये भी बहुत दिन बाद ये वैकेंसी देखने को मिले इस सेतु निगम में, सेतु निगम कितना है? 96। अब हम बात कर लेते हैं यूपी प्रोजेक्ट कारपोरेट्स, कितना इसमें? यूपी प्रोजेक्ट
कॉर्पोरेट्स, इसमें आपकी कितनी है? 32 है। 32 कैसे है? 27 एक जगह है या 5 एक जगह है। ठीक है, ये आपका 32 और ये आपका टोटल कितना होता है? ये आपका टोटल होता है 821। मतलब 821 पोस्ट जो है वो 21 वर्ष, 21 से 40 वर्ष वालों के लिए है, और मैक्सिमम जो है 2026 पोस्ट किसके लिए है? वह आपके 1840 के लिए है। अब ये हो गया एज क्राइटेरिया। अब आपका लास्ट फाइनली आता है, जो स्टूडेंट के मन में सबसे ज्यादा क्वेरीज आते हैं, वह पेट कट ऑफ लेकर, कि पेट कट ऑफ क्या हो सकता है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। और मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बता रहा हूँ कि यही कंफर्म 100% सही रहेगा, और किसी भी चैनल या अफवाह के बारे में आप ना पढ़ेंगे। अगर नहीं होगा तो जो आप लोग कहिएगा वो मैं करूंगा। हम बात कर लेते हैं दोस्तों, पिछला रिकॉर्ड देखते हुए, जो भी अभी पेट जब से आया है यूपी TPSC द्वारा एग्जाम कराया जा रहा है, किसी भी मेंस एग्जाम के पहले, प्री मान लीजिए ये एग्जाम है, तो उसमें अभी नोटिफिकेशन में भी मेंशन किया है 15 टाइम्स जितनी वैकेंसी है उसके 15 गुना। ठीक है, बट अभी तक आप लोग ने देखा होगा कि मिनिमम 30 गुना कोई भी आता है तो मिनिमम 30 गुना होता है। ये मिनिमम की बात कर रहा हूँ, 15 गुना कभी नहीं उसने कॉल किया है। मिनिमम 30-45 तक किया है, 30 टाइम्स 45 टाइम्स ऑफ दी वैकेंसीज टोटल जो है उसका किया है। हम बात कर लेते हैं 30 गुना की। ठीक है, मेंशन किया है 15, बट हम बात करेंगे 30 क्योंकि पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए। अब 30 इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 2847 का, तो ये टोटल हो जाएगा 85,410। ठीक है, 85,410 स्टूडेंट्स को क्वालिफाई कराएगा मेंस एग्जाम में बैठने के लिए। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं कि कट ऑफ कितनी हो सकती है। फाइनली मैं किस पे आता हूं, जो ज्यादा क्वेरीज हैं स्टूडेंट की, कि पेट कट ऑफ क्या हो सकता है। तो दोस्तों, जो पीईटी कट ऑफ होगा आपका, पीईटी कट ऑफ होगा 2023 पेट से, वह आपका प्लस 0.25 हो, आपका निगेटिव ना हो और जीरो ना हो, निगेटिव और जीरो ना हो, बस आप इलिजिबल होंगे। ठीक है, निगेटिव और जीरो आपका मार्क्स ना हो, आप प्लस 0.25 में हो, आप 100% इलिजिबल होंगे और कॉल किए जाएंगे फॉर द मेन्स एग्जामिनेशन। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अभी हाल ही में 3-4 महीने की बात है, आप लोग को पता होगा कि मानचित्रकार नक्शा नवीस की वैकेंसी आई थी, 283 पोस्ट थी। ठीक है, तो उसमें भी यही मेंशन था, तो 283 पोस्ट के लिए उसमें केवल सिविल इंजीनियरिंग इन डिप्लोमा मांगा था, तो केवल जो डिप्लोमा सिविल से किए हैं वह इलिजिबल थे। अब उसकी बात मैं बता दे रहा हूँ, वो इलिजिबल थे, उसमें केवल फॉर्म फिल हुआ है 17,792 स्टूडेंट्स का, जो कि पेट 2022 से यह वैकेंसी आई थी, अभी एग्जाम नहीं हुआ है इसका, पेट 2022 से ये हुआ था, 17,792 लोग अप्लाई किए हैं मानचित्रकार नक्शा नवीस जो वैकेंसी थी। अब हम बात कर लेते हैं पहले की तुलना में, मतलब 2023 की तुलना में 2022 का जो पेट था उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा थे, 2023 में कम है। इसका मेन रीजन क्या है कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि जो जे की वैकेंसी आएगी वो 100% है, पेट 2022 से ही आएगी, इसलिए काफी सारे स्टूडेंट जो एग्जाम छोड़े, फॉर्म नहीं फिल किए, वो उनकी गलती है। मैं किसी की गलती नहीं दूंगा, सरकार की गलती नहीं दूंगा। सरकार 6 साल बाद निकाले, 8 साल बाद निकाले, आप नहीं कुछ कह सकते, लेकिन आप अपना कर्तव्य पूर्ण करिए। आपने अपना कर्तव्य नहीं किया इसीलिए आप भुगत रहे हैं। कोर्ट केस जाने की, धरना देने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो आपका सब असफल होगा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ। मेरे अंदर कोई निगेटिव और वो मैं स्टूडेंट को लेकर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो सही है वो सही है। तो पेट 2022 से 17,792 स्टूडेंट केवल भरे होंगे। अब यहाँ स्टूडेंट के मन में एक क्वेश्चन और उत्पन्न होगा कि ये तो 2800 ग्रेड पे की थी, तो बहुत सारे लोग 4200 ग्रेड पे की नौकरी कर रहे हैं, जेई खैर वैसे तो 4200 ग्रेड पे की होती है, तो 2800 ग्रेड भी मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट नहीं फॉर्म फिल किए होंगे। ठीक है, मान लीजिए 5,000 नहीं किए होंगे, 8,000 की नहीं किए होंगे। ठीक है, तो मेरा जो मानना है, मैक्सिमम फॉर्म जो फिल होंगे ओनली डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग ये 2847 पोस्ट के लिए, वह आपके 40,000।
कितना 40,000 फॉर्म, इससे ज्यादा फिल नहीं होगा, ये मेरा वादा है इस चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। 40,000 अगर हो भी गया मैक्सिमम तो अंडर 50, मतलब 50,000 फॉर्म से नीचे ही टोटल फिल होगा। कंपटीशन क्या होगा? एकदम कम होगा, कंपेरिजन टू 2018 जेई एग्जाम के जो अप्रैल में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों आप लोग से मेरा यही निवेदन है कि आप लोग किसी भी भ्रामक खबरें या किसी चढ़ाने या किसी उकसाने कि उसमें ना पढ़िए, और जो भी साथी 2023 पर दिए हैं वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब की जो वैकेंसी आई है ये हर बार से लगभग 3.5 गुना, 3 गुना बहुत ज़्यादा ज़्यादा है, 3 गुना सिविल के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो, और मैं आपसे आग्रह करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करेंगे और लोगों को अवेयर करेंगे कि वो किसी के बहकावे में आकर ना जाए कहीं भी, क्योंकि कुछ निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है। अगर आप इतने अवेयर जितने अवेयर अब हो, इतने अवेयर एग्ज़ाम फॉर्म फिल किए होते और पेट 2023 का फॉर्म गए होते देने, तो कितनी अच्छी बात आज होती। और लोग सोच रहे हैं जो 2022 पेट एलिजिबल कर देगा तो करेगा नहीं, इन केस कर दिया तो क्या 2023 वाले जो छात्र हैं वो चुप बैठेंगे? वो गाड़ी में धक्के खा खा करके, इतनी भीड़ में जगह नहीं होती है पेट के एग्ज़ाम देने जाने में, गए हैं पेपर दिए हैं तो उनको कष्ट पीड़ा नहीं है आज आपको दिख रहा है। और वो जब 2023 वाले बच्चे धरने में जा रहे थे, आयोग जा रहे थे, सचिव जी को ज्ञापन देने जा रहे थे, तब तो कोई नहीं सामने आ रहा था जाने के लिए, 20 से 25 लोग जाते थे। तो इसीलिए मैं यही आपसे आग्रह करूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, और किसी भी प्रकार के किसी के द्वारा, किसी कोचिंग संस्थान के द्वारा कि हम ये करा देंगे वो करा देंगे, उससे कुछ आपका होगा नहीं, ये मैं क्लियरली कह रहा हूँ। और बीटेक अलाउड नहीं होगा ये भी मैं बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो को ख़त्म करता हूँ, और आगे कोई भी नई अपडेट होगी, कुछ भी होगा, मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।